एक ऐसा मसला आ गया कि मतलब 3 महीने से मीटर नया लगवाया है और बिल नहीं भेज रहे। कह रहे थे कि भाई काफी जगह पर आज विजिट करने जाना है, नई चीजें दिखानी है व्यूअर्स को, ये चक्कू भेजने लगे हैं। काफी अंदरूने पंजाब में लोगों को पता ही नहीं होता कि चक्कू किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि वीडियोस अभी काफी पेंडिंग पड़ी है। ये सही तरीके ना रखी, बिल्कुल सीधी करके उस्ताद ने सीधी है कि ये जो बड़ा है ना ये लाल है। तो मैंने कहा कि नहीं, उन्हें गारंटी दी है कि ये जो तरबूज है लाल है। तो मैंने कहा चलो पता लगे, अभी देखते हैं उस्ताद काटे और दिया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं डबल ए बाजवा चैनल और मैं हूं आपका अपना असगर अली बाजवा। यहां पर भाई डायरेक्टली हम शूटिंग से स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह उठ के हमने रात वीडियो लिख ली थी एक बड़ी अच्छी डिस्काउंट वाली, प्राइजेस मजीद कम करने वाली मोबाइल फोन की, तो वो जाकर आप टेक्निकल बाजवा पर जरूर देखिए क्योंकि वो पहले अपलोड होगी, ये ब्लॉग बाद में अपलोड हो रहा होगा। तो बहरहाल हम शूटिंग करने के बाद, ये बाल बाल भी सेट करने हैं, अभी शूटिंग करने के बाद हम डायरेक्टली काम पर जाएंगे। टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसके बाद नबेड़ नबूड़ के चलते हैं। तो भाई अगर आपने मोबाइल फ़ोन में डिस्काउंट हासिल करना है तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहरहाल काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्काउंट के बाद तो भाई वीडियो शूट करने के बाद हम चेक करते हैं लाजमी जो है ना अभी तकरीबन, क्योंकि काफी बार ऐसे हो चुका है कि वीडियो शूट की और ऑडियो ही नहीं होती उसमें, मतलब कि इसमें माइक में सेल वगैरह डलता है। इंतजार कर रहे हैं दोस्त हमारे और काफी काम भी जाना है, वापडा ऑफिस भी जाना है। एक ऐसा मसला आ गया है कि मतलब 3 महीने से मीटर नया लगवाया है और बिल नहीं भेज रहे। अब हम कहते हैं बिल ना आए, लेकिन हम कहते हैं बिल नहीं भेज रहे भाई, बिल भेजो, क्योंकि एकदम यूनिट इकट्ठे होते जा रहे हैं और वो बिल जब आएगा तो 300 यूनिट से जब क्रॉस हो गया तो बहरहाल इतना ज़्यादा बिल आएगा डबल टैक्स लगने के बाद, तो हम भाई खुद जाएंगे कि मेहरबानी करके बिल भेजो। तो भाई यहाँ पर हम जाने लगे हैं अड्डे पे, वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, साईं ताहिर शाह अंदर जो बैठे हुए हैं उधर अड्डे पे और कह रहे थे कि भाई काफ़ी जगह पर आज विज़िट करने जाना है, नई चीज़ें दिखानी है व्यूअर्स को, तो पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं क्या करते हैं। अब वो तो साईं से जाके पूछते हैं ना। बहरहाल ये है कि एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा पैगाम है कि ज़कात जो है वो तो महीना डेढ़ पहले अदा करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग फजीलत की वजह से रमज़ान में, तो जितनी जल्दी हो सके ज़कात फितराना और क्या कहते हैं फ़दिया वो अदा कर दें ताकि ज़रूरतमंद जो हैं वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें। बहरहाल ये है कि आपने अपने पहले रिश्तेदारों में देखना है इस्लाम में ही, उसके बाद फिर पड़ोसी, फिर उसके बाद आप बाहर दे सकते हैं। तो ताहिर शाह जो है वो पहले आ गया था, ये देखिए बैठा हुआ है माशाल्लाह से। बड़ी खुशी हुई साईं आपने हमको आज जो है खिदमत का मौका दिया। हाँ तो अभी जो है हमने थोड़ा सा प्लान किया है, सोच रहे हैं बाहर जाने का, बाहर मतलब ये कि शहर में ही जो जगह है वहाँ पर साईं ने घुमाना है हमें, तो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ज़्यादातर आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हम तो देख ही लेंगे खैर, तो चलो हमारी जो है वो नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा होगा। साईं तो इंशाल्लाह चलते हैं बस थोड़ी देर में, अभी एक वीडियो हमें बनानी है, खुद एडिट करनी है आज। हाँ वीडियो एडिट करके, थोड़ी छोटी सी वीडियो है ब्लॉगिंग की, जो 2 ब्लॉग पीछे हैं, तो हम कह रहे हैं एडिट हो ही जाए। तो व्लॉग ये छोटा सा था, तो मैंने कहा चलो खुद एडिट कर लेता हूँ यार, एडिटर को क्या तकलीफ़ देनी है, तो क्योंकि वीडियोज़ अभी काफ़ी पेंडिंग पड़ी हैं। तो यहाँ पर टाइम हो गया है कुछ 12:59, अब हम बिल्टी देने जाएंगे उसके बाद मिलते हैं। साईं चलें, मम्मी तो खूब भेजने हैं यहाँ पर पंजाब, और ये हमने हंदवाने भी लिए हैं मज़े कर तो, ये हमने तरबूज भी ले लिए, और एक तो हमने जत्ती लगवा ली है कि यार कहीं वो ना हो, लेकिन वो लाल निकला क्योंकि अगर कटवा लें तो फिर वो थोड़ी देर तक ही रहता है, सफ़र थोड़ा है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा कि ख़राब नहीं होगा फिर, क्योंकि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे भाई तक पहुंचने में। उस्ताद की अमानत रहो जल्दी। हाँ उस्ताद अमानत है, ये साथ का बात देख देवी बिरा को यार, ये सही तरीके ना रखी, बिल्कुल सीधी करके असगर संगा लाल चौपाई साडे ओ भी ओ खणिया आयो जो कर तू पैसा दे यार, मां के पैसा मावट आया सिबिया पे, ये चक्कू भेजने लगे हैं। काफी अंदरूने पंजाब में लोगों को पता ही नहीं होता कि चक्कू
किस चिड़िया का नाम है। तो चक्कू बड़ा मज़ेदार फूड होता है, इसका मिल्क शेक भी बनता है और ये वैसे ही बंदे खाते हैं पर बड़ा ज़बरदस्त है। अदा हे रखे वाह चाचा संभाले के रखते हैं घर से भर के देगा बात घर से भर के नहीं कमीशन बोला उसने काट ली ना फिर 12,000 पूरे मोकलना कटौती न कटौती न करना तेरे से पैसे भरवाएंगे वो सारे हाँ वो देख वो मिलेंगे तो घर से भर के देगा पैसा मांगे मिलता तड़ी दो मानता बैठो भाई। बात ये है कि कल जो गाड़ी भरने गए आप इसको बड़ा करके गए अमीर साहब को सही है अभी मजदूरी नहीं मिलेगी इतने बंदों को तो कौन भर के देगा। मैं नहीं भर के देऊंगा मेरे को मिलेंगे तो मैं देऊंगा नहीं तो बैठो बस ऐसे नहीं है पकड़ लेंगे सारे देख कितने जने मेरे को मिलेंगे तो मैं देऊंगा नहीं भाई नहीं सारे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं कमीशन भी कटेगी और उसके बाद पैसा बा पूरा वर्जो से कमीशन नहीं काटना मैं पहले बता रहा हूँ तेरे कमीशन मैं नहीं काटूंगा वो काटे के भेजेगा वो काटे के मैं तेरे से भरवाऊंगा उसको बोल बात करवा ब्लॉग एडिट हो रहा है 32 नंबर 31 जो है वो अपलोड करेंगे हमने एडिट किया है थोड़ा बहुत वो रेंडर पर लगा हुआ है ये 32 नंबर ब्लॉग एडिट हो रहा है दोनों इंशाल्लाह अपलोड करेंगे वीडियोस को। अब हम नमाज का टाइम हो रहा है नमाज पे जाने लगे भाई अभी हम नमाज पे जा रहे हैं ताहिर शाह को लेके तो माशाल्लाह से आज काफ़ी लेट हो गए हम लेकिन अभी टाइम काफ़ी पड़ा है आधे घंटे से ऊपर पड़ा है रोज़े में तो वो भी हम करेंगे। साईं थोड़ा सामान भी लेना है पकौड़े वैसे हम बनाते हैं घर वो भी आपको थोड़ा तरीका दिखाते हैं और थोड़े समोसे एक दो लेके आने हैं पहली दफ़ा रमज़ान में आज मैं समोसे खाने लगे तो भाई उस्ताद से ले रहे हैं तरबूज उस्ताद कह रहा है गारंटी है अगर नहीं कटवाओगे तो लाल दूंगा तरबूज। मैंने कहा नहीं भाई चट्टी लगा के दो छुरी फिर पता लगेगा ऐसे मैंने नहीं लेना। उस्ताद ने जिद ये की है कि ये जो बड़ा है ना ये लाल है तो मैंने कहा है कि नहीं उन्होंने गारंटी दी है कि ये जो तरबूज है लाल है तो मैंने कहा चलो काट के पता लगे अभी देखते हैं उस्ताद काटे और दिया है तो उस्ताद ने यहाँ पर चट्टी लगा लिए अभी देखते हैं भाई उस्ताद का कहना क्या है यार ये तो लाल निकला क्या बात है वाह का तजर्बा है यार तजर्बा बोलता है तजर्बा आप भी यहाँ से खरीदे हमारी दुकान के बिल्कुल सामने यहाँ से आप खरीद सकते हैं बिल्कुल सस्ता और लाल तरबूज आपको मिलेगा सस्ता कितने रुपए किलो 50 रुपए भाई पहले 70 था 50 पे सेल लगती है 50 रुपए किलो होल सेल में और लाल तरबूज गारंटी वाला तरबूज ये देखिए तो भाई तार समोसे ले लिए समोसे पहली बार रमजान में बाकी जहाँ घर करते हैं सिस्टम पकौड़े घर बने हुए हैं समोसे साथ मिल जाएंगे बड़ा मज़ा आएगा। नमाज में आज़ान में थोड़ा टाइम बचा हुआ है 15 मिनट सही तो अभी आप हम तरफ देख सकते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी से आ रहे हैं जा रहे हैं का टाइम और यहाँ पर शाम का टाइम रोज़े अफ्तारी का टाइम है रोज़े खुलने में जो है मेरे ख्याल में कोई साईं तकरीबन पड़े 10 मिनट पड़े हैं रोज़ा खुलने में तो रश जो है शहर में बढ़ जाती है लोग मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं काफ़ी मस्जिदों में रोज़ा खोलते हैं काफ़ी अपने घर में खोलते हैं काफ़ी दोस्तों के साथ खोलते हैं तो हर किसी की मुख्तलिफ रूटीन है हमारी घर की रूटीन है घर जाने की रोज़ा घर इफ्तार करते हैं लेकिन खाना साथ में खाते हैं हाँ ये है खजूर वगैरह से या
जिस तरह रोज़ा अफ्तर किया जाता है अमूमन सुन्नत नबी के मुताबिक हम रोज़ा खाने करते हैं। फिर रोजे के बाद मिलते हैं, 10 मिनट सुकून से जाओ, जल्दी आ जाना। फिर कंप्लीट हो गया सारा मामला और रोजा बिल्कुल एक मिनट पड़ा है भाई। खाने पॉपकॉर्न्स लिए हैं खाने के लिए, पेट भरता नहीं है तुम्हारा, अभी रोटी खा के आए हैं, कट्ठे रोटी खा के आए हैं। अभी ये देखो काम इसका, पॉपकॉर्न खा रहा है। आए हैं अभी आसिफ भाई के पास, जाएंगे फिर शॉप पे और मोबाइल फ़ोन लेंगे। ये चौक है हमारा मुस्तवाई चौक, मतलब रेलवे चौक भी से कहते हैं। तो भाई अब हम आ गए आसिफ भाई के पास और मुझे हेडफोन भी लेना है एक, तो अभी चलते हैं आगे। पता है क्या भाई, कैसे हैं, क्या चाल है, तबीयत सेहत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोजे कैसे चल रहा है माशाल्लाह, रमजान में माशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा चलता है। नहीं सही है माशाल्लाह, बरकत होती है ना रहमतों। आसिफ भाई की दुकान दिखाओ, आसिफ भाई की दुकान है। आज मुझे भी हेडफोन लेना है भाई से, तो मूड हो गया। नहीं फ्री वाला नहीं लेंगे। तो भाई हमने हेडफोन ले लिया है, ओप्पो का है और सेकंड का भी है, बिल्कुल जी बहुत बहुत सस्ती प्राइस है इसकी, लो प्राइस में लिया है मैंने, 150 में मैंने ये लिया है। सही है, आप भी आए आसिफ भाई की शॉप पर और आखिर में मौजूद है सुन्नी मोबाइल होलसेल के नाम से, तो आए आप भी लें। ज़बरदस्त की वॉइस क्वालिटी है, दिखने में भी बहुत कूल है। तो थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करने लगे हैं, तकरीबन इस वक्त टाइम हो गया है 12 बजे का और वीडियो हम रिकॉर्ड करने लगे हैं टेक चैनल के लिए। तो ओवरऑल रूटीन जो है रमज़ान में भी हमने वही रखी हुई है रिकॉर्डिंग की, और ओवरऑल तो सेटअप वेटअप हमने फुली लगा लिया है ये देख सकते हैं। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के बाद अब मिलते हैं।